सो लेट्स स्टार्ट टुडेज योर टॉपिक इज पाइवोट टेबल। क्या नाम है आज के हमारे इस टॉपिक का नाम? ओके, बिफोर स्टार्टिंग अ पाइवोट टेबल सबसे पहले आप अपने डेटा को देखोगे। आप किसे देखना है? डेटा। अब इस डेटा में आपके पास हेडिंग में क्या क्या ये देखना है, क्या क्या देखना है बोलो? हेडिंग में क्या क्या है ये? बिकॉज ये जो पाइवोट टेबल है वो हेडिंग के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। किसके? हेडिंग के अकॉर्डिंगली। क्या मेरी कोई हेडिंग रिपीटेड है? नहीं। क्या मेरी कोई हेडिंग ब्लैंक है? क्या मेरी किसी हेडिंग में फॉर्मूला लिखा हुआ है? नहीं। क्या मेरी हेडिंग में कहीं मर्ज सेल है? आई गेस मर्ज सेल का मतलब समझ में आया क्या? सो ये सारा आपके हेडिंग में नहीं होना चाहिए। क्या ये सारा आपके हेडिंग में? अदरवाइज यू विल नॉट गेट प्रॉपर रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं इसका प्रॉपर रिपोर्ट, सो आपके हेडिंग में ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हेडिंग शुड नॉट बी ब्लैंक, हेडिंग शुड नॉट बी रिपीटेड, करेक्ट नाउ? हेडिंग में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होना चाहिए, क्लियर नाउ? हेडिंग के अंदर मर्ज सेल का यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हेडिंग का मतलब ओनली हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग का मतलब डेटा नहीं होना चाहिए। डेटा अलग होता है, हेडिंग अलग होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये सब आपको प्रिकॉशन लेने हैं वाइल यूजिंग अ पाइवोट टेबल, ठीक है? नाउ अगर आप इस पाइवोट टेबल का यूज करना सीख गए, सो आपके बिजनेस, आपके ऑफिस में, आपके एनालिसिस में 90% रिपोर्ट्स आप इसी से बनाएंगे। किसे? 90% रिपोर्ट आप इसी से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी चाहिए थी, किसकी? क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रोहित? आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी चाहिए, फॉर्मूला कौन सा? मिस्टर रोहित स्टार्ट बोलो, मुझे आईटी का टोटल चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सम। क्या गाइस, मैं इक्वल टू सम लिखूंगा और यहां से लेके यहां तक मैंने सेलेक्ट कर लिया एंटर, इज इट दिस इज अ टोटल ऑफ आईटी? ये तो पूरा सेल जितना भी हमारा डिपार्टमेंट है सबका टोटल है। I am looking only for IT. इसका मतलब आप प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिस नहीं करते। This is very bad. हमारे फॉर्मूले का नाम क्या है? सम। इफ सम करना है, मगर कंडीशन है हमारी। क्या है सर आपकी कंडीशन? मेरी कंडीशन ये है, ये पूरी लिस्ट में आपको सर्च करना है क्या? IT. अगर IT मिला तो तब मुझे सम देना सर आप। सम तो चाहिए नो डाउट, लेकिन कंडीशनल है। क्या कंडीशन है सर? मेरे डेटा में क्या होना चाहिए? आईटी होना चाहिए। तो दिस इज द टोटल ऑफ आईटी। गाइस यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड कीप ऑन यूजिंग इट। उसे यूज करना पड़ेगा, करेक्ट? यहां तक क्लियर हो गया सभी का? नाउ इसका मतलब अगर आईटी डिपार्टमेंट की बात किया, रेगुलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं सर मंथ वाइज टोटल चाहिए, पेमेंट टाइप वाइज टोटल चाहिए, सो नेचुरली आपको पूरा दिन चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। आप इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। सो दैट एनालिसिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पाइवोट टूल। किसके थ्रू करेंगे हम? ओके, यही एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप इतना एनालिसिस कर सकते हैं। और 90%, जैसे ही मैंने कहा कि सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सब की सब कहां से बनती हैं? यूजिंग पाइवोट टेबल। डैशबोर्ड बनता है यूजिंग पाइवोट टेबल। ऐसा ये नहीं कि बिना पाइवोट के नहीं बन सकता। आई कैन यूज अ फॉर्मूला, हो सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम कंजम्पशन काफी है, और हमारे पास जो नहीं है वो टाइम ही नहीं है। क्या सबसे ज्यादा टाइम ही है हमारे पास? है ना, कम है ना? करें, क्योंकि हर मैनेजमेंट, हर ऑफिस ये चाहता है मुझे रिजल्ट क्विकली चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पाइवोट टेबल को हम कैसे यूज कर दें, करें? तो बेसिकली अगर आपसे पूछा पाइवोट टेबल का यूज क्या, तो डेटा को एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज करना। डेटा को समराइज करना। क्या करना? समराइज करना। एनालाइज करना, समराइज करना, उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना और रिपोर्ट प्रेजेंट करना, ये काम है किसका? पाइवोट टेबल। नाउ बिफोर स्टार्टिंग पाइवोट टेबल, बेसिकली अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करते हैं पाइवोट टेबल, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैं बता देता हूं। अगर यूज करते हैं तो, करेक्ट? आई रिपीट, अगर आप यूज करते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट प्लस डी प्लस पी। गाइस कौन सा बोला मैंने? ओल्ड। ओल्ड 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 मतलब, ओल्ड मतलब क्या? 2003, 2007। अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, एमएस ऑफिस का वर्जन,
तब हम यूज करेंगे क्या, ऑल्ट डी और पी, अदरवाइज आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस एन प्लस वी। गाइस क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट एन वी। अगर आप इसका यूज करना सीख गए सो आपका आधा वर्क तो यहीं से पूरा हो जाएगा विद इन ए क्लिक। जितनी देर में आपकी चाय हो जाएगी उतनी देर में आपका यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा। यू नेवर इमेजिन कि इतना जल्दी मेरा रिकॉर्ड कैसे आ गया, बट रियली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच आई फाउंड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उन्होंने काफी अच्छा टूल दिया हुआ है। आई होप क्लियर विद दिस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहले इस डेटा को हमें सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे रोहिणी, बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है ये, क्या बोलो? ना ना ना, ये प्रॉब्लम नहीं, फुल शीट नहीं, जितना डेटा है उतना ही हुआ। देखो यहां का नहीं हुआ है, यहां का नहीं हुआ है, सो इसकी एक ही प्रॉब्लम है। क्या बोलो, नहीं समझा? ओके अभी बताता हूं मैं। गाइस अज्यूम करो यहां पे मैंने एक नया रो ब्लैंक ऐड कर दिया, अब करो ना कंट्रोल ए। नहीं समझा? सर हमारे हिसाब से तो सिलेक्शन हो रहा है ना, लेकिन नीचे का सिलेक्शन, सपोज यही जो मैंने ब्लैंक रो रखा है वो बंदे ने इधर रख दिया था। गाइस समझ में आ गया क्या इसका मतलब? इतना डेटा आपका क्या हुआ, आउट ऑफ सिलेक्शन हो गया। नहीं समझाया? समझा। सो दिस कंट्रोल ए वर्क्स ओनली व्हेन यू हैव अ सीक्वेंशियल ऑफ डेटा। अरे क्या मैंने बोला, सीक्वेंशियल ऑफ, इसमें ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, या अदरवाइज नहीं तो कंट्रोल ए चलेगा जो आपने बोला था, दैट इज करेक्ट, कोई रॉन्ग नहीं है। अगर कंट्रोल ए जिसे नहीं आता कोई बात नहीं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। सर राइट एरो डाउन एरो क्यों बोल रहे हैं आप? बिकॉज मेरा कर्सर टॉप में था ना, कर्सर बॉटम में है, अभी सिलेक्शन किधर, नीचे या ऊपर? नीचे मतलब आप यहां जाना चाहते हो, तो फिर नीचे कैसे, कहां जाना चाहिए हमें? कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये सिलेक्शन हुआ एंड अप एरो। नहीं समझा? और अगर कर्सर यहां होता तो क्या करते थे रोहित? कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो डाउन एरो, मतलब आपका पोजीशन बताएगा सिलेक्शन कैसे करना है। आई होप क्लियर विद दिस। चलिए इसी के साथ थोड़ी और आगे बढ़ेंगे। यस ओ नो? सिलेक्शन होने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करता हूँ ऑल डी और पी, जो पुराने वर्जन में हम यूज करते थे बट स्टिल इट वर्क्स। पुराने वर्जन में हम यूज करते थे बट स्टिल इट वर्क्स, इसका भी यूज है, ऐसा नहीं कि इसका यूज ही नहीं है सर। हाँ बट आज मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी टॉपिक काफी बड़ा ही है। करेक्ट, तो मैं नए वर्जन में क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट एन और वी। अब जिसे ये ऑल्ट एन वी नहीं याद रहता उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, वो जाएगा किधर, इंसर्ट, और जाके क्या क्लिक करेगा, पिवट टेबल। मैंने किसी और को पूछा, उसने बोला सर मैं इसको फर्स्ट टाइम सीख रहा हूं, मुझे नहीं पता ये पिवट टेबल के बारे में, आई एम द बिगनर, क्या मैं फर्स्ट टाइम इसे सीख रहा हूं? कोई बात नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आप यहां जाएंगे, किधर क्या लिखा ये रिकमेंडेड, तो जैसे ही आप यहां जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको एक हेल्पलाइन दे रहा है कि पिवट से क्या क्या रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। तो उसने पहले बताया कि सर आप यहाँ पे बोनस बाय डिपार्टमेंट ले सकते हैं। अरे क्या बोनस बाय, इसका मतलब इसने मेरे डेटा में से हेडिंग लिया और हेडिंग से जो रिपोर्ट उसको बेटर लगा वो आपको बता दिया। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसका यूज करो। आप गाइज मेरा बात समझा, यस और नो? दोज हु आर ए फ्रेशर और दोज हु आर ए फर्स्ट टाइम यूजिंग, या जिसे ये नहीं समझ में आता है कि सर रिपोर्ट में क्या बनाने का, अरे क्या रिपोर्ट में, तो यहां से आप देख सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ। ओके सर हमें पता है हम तो इसको यूज करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो फिर हम यहां पे जाएंगे। आई होप क्लियर नाउ। अब ये कह रहा है सर यहां पे आपका डेटा कहां से लूं मैं, जो आपका टेबल है यही डेटा लेना है या डेटा कहीं और एक्सटर्नल लेना चाहते हैं? तो आप यहां से भी ले सकते हैं एक्सटर्नल डेटा, इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटा ले सकता हूं मैं, किसी और एप्लीकेशन का डेटा, बट मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो डेटा यहां पे ही है। इसका जो रिपोर्ट बनानी है वो इसी शीट में बनानी है या फिर न्यू शीट में? अब ऑलरेडी ये शीट में डेटा कम है क्या, तो रिपोर्ट यहां बनाएंगे, तो मैं प्रिफर्ड क्या करूंगा गाइस, न्यू। अब ये कहता है कि सर रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा को आप स्टोर करने के लिए डेटा मॉडल यूज करना चाहते हैं, मतलब लेटर ऑन किसी और पर्पस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, डेटा मॉडल में यूज कर सकते। फिलहाल तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ऑफ कर देता हूं। I guess clear with the points. Now I just clicked on. Okay. ये रहा देखो आया क्या,
अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, क्या नाम लिखा है? पाइवट टेबल टू। ओके, कोई बात नहीं। यहां से देखो, आपने जो जो डेटा में कॉलम दिए थे वो सारे हेडिंग यहां पे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? सारे हेडिंग। ओके, अब इसको यूज करने के लिए सिर्फ चार ऑप्शन ये समझ में आना चाहिए, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू एंड रो। कितने? अब ये जो वैल्यूज है बेसिकली हम इसको यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा राम प्लस श्याम इक्वल टू कितना? बोलो सचिन। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? यहां पे अगर मैंने लिखा राम और यहां पे लिखा श्याम और मैंने बोला राम प्लस श्याम, हाँ ऐसा होता? बोलो, ऐसा होता या नहीं होता है? तो फिर आपने कैसे किया? अब ये तीनों वर्ड को एक साथ में पढ़ो सचिन, क्या आया समझ में? सो अब आप इसको कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि उसका मीनिंग आप समझ चुके हैं। नहीं सर, मैं अलग अलग ही पढ़ूंगा, नाना को अलग पढ़ूंगा, ची अलग और टांग अलग, और ये तीनों जब एक साथ में कंबाइन हो जाएगा तो हम इसको अब कंबाइन नहीं करेंगे। सो नेचुरली ये टेक्स्ट है। क्या है ये? अगर मैंने बोला नाना की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू, अब आप प्लस करेंगे और मुझे बोलेंगे ये सर आई गॉट इट, इसका आंसर है 60। मतलब इसकी वैल्यू को हम ऐड कर दें। क्या करते हैं? वैल्यू को हम ऐड करते हैं। सिमिलर वे यहां पे क्या लिखा, राम प्लस श्याम। अगर मैं प्लस करने बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं, मैं काउंट करके बताता हूं कि दो लोग हैं। क्या करके बताएंगे? काउंट करके बताएंगे, लेकिन आप उसको प्लस नहीं करेंगे। अरे गाइस, काउंट करेंगे आप, क्या करेंगे? सिमिलर वे अगर किसी बंदे ने नेम ऑप्शन को उठा के यहां पे वैल्यू में रख दिया तो ये काउंटिंग करता है। क्या कर रहा है ये? इसने बता दिया सर आपके डेटा में 997 नेम से कितने, इसका मतलब उतने रोज है हमारे पास। सर डाउट है मुझे। अरे डाउट है तो देख ले कितने रो है, 997। यहां पे कितना आंसर आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या नहीं आया? तो इसने क्या किया, अकाउंट करके बता दिया हाउ मेनी। समझ में आई बात? अगर आप नेम यहां पे रखते हैं तो सर इसके जगह पे अगर सैलरी रख दिया तो अब ये सैलरी को नहीं काउंट करेगा, बिकॉज सैलरी क्या है? नंबर। सैलरी क्या है? तो नंबर का क्या कर देता है ये? समझ में आया? सर एक बार और बताओ मुझे, तो मैं सैलरी को एक बार और रख देता हूं। देखो दो बार आया, बढ़ गई सैलरी। अरे बढ़ गई क्या सैलरी? कहाँ बढ़ गई? नहीं, सही है। अरे बढ़ गई मतलब सैलरी की अमाउंट बढ़ गई क्या? अगर मैंने वापस सैलरी ले लिया तो क्या आया बोलो? तो ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर सेम फील्ड को नंबर ऑफ टाइम्स ड्रैग कर सकते हैं। क्या बोला? नंबर ऑफ टाइम। ओके सर, अगर कहीं और ट्राई करते हैं, चलो गाइस क्या बोला मैंने, कहीं और पे ट्राई करेंगे। अगर मैंने इसी ऑप्शन को फॉर एग्जांपल नेम को यहां पे रख दिया एक बार, सर वापस रखो नेम को, ये लो आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अगर मैंने नेम को यहां फिल्टर में रख दिया एक बार आया, वापस रखते हैं यहां, है अलाउड? नेम को अगर मैंने यहां पे कॉलम में रख दिया, वापस ट्राई करते हैं, अलाउड? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वैल्यूज में मल्टीपल टाइम्स डेटा रखना अलाउड है। सेम डेटा, सेम डेटा। आपने देखा होगा सैलरी को मैंने 3 टाइम्स रखा था, लेकिन यहां पे तो नेम को 3 टाइम्स रखना अलाउड? हाँ यहां रख सकते हो, एक बार रखा काउंटिंग किया, वापस रख दो सर। अरे सर वापस रखो, मतलब यहां पे वही फील्ड को रिपीट करना अलाउड है लेकिन बाकी के जगह पे अलाउड? आई गेस मेरा मतलब समझ गए आप, क्या नहीं समझे आप? ओके, अब मुझे किसी ने कहा कि सर मैं जानना चाहता हूं मेरे डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई है। क्या हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं? तो सबसे पहले मैंने यहां पे डिपार्टमेंट को बोला तू इधर आ जा। आ गया क्या? ये इतने डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग, एडमिन, कस्टम, बराबर है, और फाइनेंस, ये सब हमारे ब्ला ब्ला डिपार्टमेंट है। आई होप समझ में आ गया। अब आपने बोला सर हमें ये नहीं बोला था, आपने बोला था डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉई काउंट करेंगे। सो एम्प्लॉई नेम को मैंने उठा के यहां पे रख दिया। क्या कर दिया? अरे एम्प्लॉई नेम को यहां से उठा के, नहीं समझा? अरे समझा क्या? कितने एम्प्लॉई आईटी में? 177। सर मैं ट्रस्ट नहीं करता इसके ऊपर,
मैं ट्रस्ट नहीं करता, मैं तो यहां जाके चेक करना चाहता हूं। अरे कोई बात नहीं, आप चेक करना चाहते हैं आपको वो भी करा देता हूं। अरे ये सुनो, यहां जाने के बाद मैंने बोला आप मुझे देंगे वॉट, क्या देंगे? ये रहे, अब जरा ये डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लो, पढ़ लो ना जरा क्या है। पर आपको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद यहां जाके एरो यूज किया, एरो में कंडीशन सेट किया, तब ये आउटपुट आया। और यहां पे तो नहीं समझाया, समझा? अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब आप बोले सर मैं जानना चाहता हूं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, ये एम्प्लॉय काउंट किया ना मैंने, अभी क्या बोला डिपार्टमेंट वाइज? ओके कोई बात नहीं, क्या बोलो? डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, एम्प्लॉय नहीं सैलरी। सो ये अकाउंट को मैं यहां से उठा के यहां रख देता हूं और सैलरी को उठा के यहां रख देता हूं। क्या लगता है, कैलकुलेशन है डिफिकल्ट? खाली ड्रैग ही तो कर रहा हूं। हाँ बट कहां ड्रैग करना है वो तो पर्पस मालूम होना चाहिए। सो आई गॉट इट डिपार्टमेंट वाइज। और आपने देखा होगा इसने ऑटोमेटिक आपके लिस्ट में 177 आईटी है, लेकिन यहां तो एक ही दिख रहा है। इसका मतलब सॉर्टिंग भी कर दिया उसने, इसका मतलब इसने डेटा को क्या कर दिया, सॉर्टिंग भी कर दिया। आई होप समझ में आया कि क्या किया डेटा को, क्या किया डेटा को, सॉर्टिंग भी कर दिया। नहीं समझाया, समझा किसी को? ओके अब आप बोले सर मैं जानना चाहता हूं, करेक्ट ना, डिपार्टमेंट वाइज ओवर टाइम, डिपार्टमेंट वाइज बोनस, तो बोनस को उठा के यहां रख दो, ओवर टाइम को उठा के यहां रख दो। अब चेक कर लो सर, क्या हर एक डिपार्टमेंट का क्या आ गया, सैलरी, हर एक डिपार्टमेंट का बोनस, हर एक डिपार्टमेंट का ओवर टाइम। क्वेश्चन क्लियर है सर? नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड। ड्रैग एंड ड्रॉप इट, आई रिपीट, ड्रैग एंड ड्रॉप इट। मैं जानना चाहता हूं डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉय सिक रहते हैं। क्या जानना चाहता हूं? डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉय सिक। तो यहां पे देखो सिक डेज लिखा हुआ है, आई कैन ड्रैग इट। मालूम पड़ा क्या, सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय सिक रहते हैं? समझ में आया? कौन से? आईटी। और सबसे कम कौन से डिपार्टमेंट में सिक रहते हैं? टाइम लग रहा है ढूंढने में, अरे टाइम लग रहा है ढूंढने में। सो गाइस इसके लिए ही हम यहां पे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहां पे कहते हैं इसे, यहां से राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूं, आप मुझे क्या बता दो, एक मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आया? आप मुझे यहीं पे जाते हैं और इसे भी क्या यूज कर लेते हैं, क्या लिया था, मैक्स वैल्यू, इसे मिनिमम वैल्यू ले सकते हो आप, ऐसे क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहां से समराइज करो, क्या बोलो, मैक्सिमम मिनिमम या फिर उसे एवरेज या फिर उसका सम ले सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया? आपकी जैसी रिक्वायरमेंट, क्या बोला, आपकी जैसी, करेक्ट नाउ। ये 252 दिखाई दे रहा है, मतलब ये खाली अकाउंटिंग में एक नहीं, अकाउंटिंग में भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना, करेक्ट ना। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग में 100 एम्प्लॉई है, अगर मैं यहां पे देखना चाहता हूं तो अकाउंटिंग में एक एम्प्लॉय नहीं 100 एम्प्लॉय है, तो 100 में से हाईएस्ट कौन है वो देखना है। क्वेश्चन समझा नहीं समझा? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, क्लियर ना। अब मैं जानना चाहता हूं कि सर हमारे पास चेक में कैश में कितना पैसा आया, या सैलरी हम कितना चेक में देते कितना कैश में देते। तो सैलरी को क्या करता हूं, अरे सैलरी को क्या करता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन था क्या? तो अब मैंने क्या कर दिया, पेमेंट जो है वो उठा के यहां पे रख दिया इसके अंदर, किधर, नहीं आया क्या, चेक से कितना, कैश में, एनईएफटी, सब डिटेल सर इधर नहीं दिया भाई, इसका ट्रेनिंग, हमने कैश में पेमेंट नहीं किया सर, इधर हमने चेक में पेमेंट, तो पेमेंट किया कैसे, एनईएफटी से किया है। क्वेश्चन समझा आई सर, इधर तीनों क्यों आ रहा है, कुछ लोगों को कैश में दिया है, कुछ लोगों को चेक में दिया और कुछ लोगों को, समझ में बात आ गई क्या सर? ये जो ब्लैंक दिख रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये ब्लैंक दिख रहा है वो अच्छा। सो व्हाट यू कैन डू इट, राइट क्लिक और जाएंगे किधर, पिवट टेबल ऑप्शन, और यहां से देखो क्या लिखा है ये पढ़ लो जरा, अरे रीड करो, जो एम्प्टी है उसे बना दो स्टार, अरे जो एम्प्टी है उसे बना दो, बन गया एम्प्टी स्टार, नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, वापस जाएंगे किधर, और ये जो लिखा है उसे इरेज कर दो, योर जॉब इज डन। क्वेश्चन क्लियर हुआ?
सिर्फ एक बात याद रखना गाइस कि अगर आप कॉलम में डेटा ड्रैग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कॉलम के अंदर हमारे पास लिमिटेशन है। हमारे एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, 16,384, याद है या वो भी गायब हो गया? कितने हैं? अब आप में से कौन बताएगा रो कितने होते हैं? नहीं पता? कैसे पता रहेगा, बिग बॉस खत्म हो गया ना, है ना? जब वो था तब तो जागते थे आप। अरे गाइस दिस इज वेरी बैड, 10,48,576। हमारे पास सेल कितने हैं, सेल कितने हैं? सर रो कॉलम याद नहीं, सेल कहाँ पूछ रहे हैं आप? हमारे पास सेल है 17179869184, इट जस्ट लाइक अ मोबाइल नंबर। समझा क्या क्या है, क्या लिखा, 17179869184, ये है नंबर। कई बार मैं भी इस नंबर को भूल जाता हूं, तब याद आ जाता है। सर हम क्या करते हैं, रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 16,384 मल्टीप्लाई 10,48,570, करो ना मैच, क्या है सही नहीं है? तो गाइज आपको याद रखना है ये, करेक्ट? आप चाहते हो अगर इसके डायमंड बनना तो इस चीजों को याद करना स्टार्ट कर दो, करेक्ट? चलो और आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने क्या देख लिया बोलो, अब डिपार्टमेंट वाइज, अब मैंने बोला अगर कॉलम का लिमिटेशन है इसके लिए हम डेटा को कॉलम में नहीं रखते, अगर बड़ा डेटा होगा तो, ये तो सर तीन चार है, नो इश्यूज, रख सकते हैं। सर आप क्या बोलना चाहते थे, अगर मैं ने पेमेंट टाइप के जगह पे फॉर एग्जाम्पल नेम को रख देता हूं, किसको किसको, नेम को रख दिया, अब जरा जाओ ना देखो ये कितना बड़ा बन गया ये, ओ दिखाई दिया, क्या लगता है कैसे लाओगे इतना बड़ा पेपर, है ना? कहां से लाएंगे, महाभारत देखा था आपने, देखा था या नहीं? तो वैसे इतना लंबा महाभारत आपके साथ चलेगा ये। सो लेट इस क्लोज दिस, इतना लंबा प्रिंट कहां से लाएंगे, पेपर कहां से लाएंगे? सो नेचुरली मैं इसको इतना लंबा यूज नहीं करूंगा, तो सर आप क्या करेंगे, मैं इसे कहता हूं ड्रैग करके लेके इसके नीचे ही रख दो। ओ अभी देखो क्या हुआ, अब जरा देखो देखने में कैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ सर हम देख सकते हैं अकाउंटिंग वाइज ये इतना है, एडमिन वाइज इतना है, हर एक डिपार्टमेंट वाइज बंदों का डिटेल्स हमें मिल गया, नहीं मिला? अब अगर आप ऐसे भी नहीं चाहते हो, आप बोलते हो सर ये डेटा थोड़ा ऐसे नहीं देखना, मुझे थोड़ा दूसरा पैटर्न में, पैटर्न थोड़ा चेंज करना है, हम करते हैं ना अपने आप को डेकोरेट करते हैं फैशनेबल डिजाइनेबल, वैसा इसको भी कर देगा, थोड़ा इसमें लिस्ट ज्यादा है, मैं इसको ड्रैग करके करेक्ट ना हो थोड़ा रिवर्स करता हूँ, क्या करता हूँ ड्रैग करके थोड़ा ये जो डिपार्टमेंट ऊपर है इसको नीचे ले लेता हूँ। अरे नहीं समझा क्या किया, चलो ये देखो इसको निकाल देता हूँ वापस, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके पहले मैंने क्या कर दिया था, जो डिपार्टमेंट लिया उसके जगह पे पेमेंट टाइप ले लेता हूँ, आ गया। अब पेमेंट टाइप में बहुत सारे बंदे हैं मेरे पास, तो ये बंदों का नाम रख सकते हैं हम लोग ऐसे, पर इनकी लिस्ट थोड़ी सी क्या है, बहुत बड़ी है ना, अरे बड़ी है नहीं, उसके जगह पे मैं डिपार्टमेंट रख देता हूँ, थोड़ी छोटी लिस्ट बनेगी। गाइज नहीं समझा, ये लिस्ट थोड़ी छोटी बनाने के लिए, मतलब कैश में कितने डिपार्टमेंट को पैसे जा रहे हैं, चेक में कितने डिपार्टमेंट को पैसे जा रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं सर ये रिकॉर्ड ऐसे नहीं दिखाई अच्छा दे रहा है, कॉलम वाइज बनाओ, क्या बनाओ? तो हम चलते हैं इसको एनालाइज में, जब आप पिवट टेबल यूज करते हैं तो आपके हेल्प के लिए एनालाइज और डिजाइन ऑप्शन है। गाइज क्या क्या है, एनालाइज और, ओके सर चलता हूं मैं डिजाइन के पास, किधर, डिजाइन के पास जाने के बाद सबसे पहले मैंने ऑप्शन ले लिया, यहां से चलता हूं देखो इधर, कोई पढ़ेगा ये क्या लिखा है, शो टैबुलर, क्या लिखा है, मैंने टैबुलर पे क्लिक कर दिया। ओ कुछ फर्क हुआ क्या रोहित, क्या डिफरेंस है टैबुलर में, बोलो ना गाइस टैबुलर में क्या डिफरेंस है, डेटा कॉलम वाइज आ गया, डेटा
सर अब ये कॉलम वाइज क्या मैं इसको ऐसे कॉपी करके अगर किसी को प्रिंट देना है क्या मैं कॉपी करके किसी को दे सकता हूं? सर यहां पे एक्सेस करने के लिए इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रहे अगर ये डेटा आप किसी और बंदे को दे रहे हो, मैं इतना ही कॉपी करता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड, कॉपी करके मैं किसी और बंदे को देता हूं, ये लो बाबा आप मेरा डेटा यूज करो, तो मैं पेस्ट ऐसे क्या करके दूंगा उसे? अरे करेक्ट ना, पेस्ट ऐसे वैल्यू ही करके दूंगा उसे। सो क्या ये बंदा इस पे एनालिसिस कर पाएगा? क्या वो फिल्टर अप्लाई कर पाएगा? सर यहां पे तो मिसिंग है, फिल्टर कहां से अप्लाई करेगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसका मतलब देखने के लिए अच्छा है, लेकिन रिपोर्ट अगर आप प्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो या तो पाइवोट में ही रिपोर्ट प्रेजेंट करो, और किसी और को दे रहे हैं तो ऐसा रिपोर्ट मत दो आप। सो अब मैं क्या करता हूं, इनको मर्ज करके एक ही कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे? मर्ज। कोई बताएगा मर्ज करने के लिए हम कहां जाते हैं? इधर है ना, अरे है कि नहीं? लेकिन ये काम नहीं करता, लेकिन ये काम क्यों नहीं करता सर? अब ये तो उससे पूछो, मेरे से नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता ना मैं कि उससे पूछो ये काम नहीं करता, बिकॉज हमें मर्ज करना एक्सेल की शीट नहीं, पाइवोट डेटा को मर्ज करना है, तो उसके लिए उन्होंने अपना खुद का ऑप्शन डिजाइन किया हुआ है। सर उनका खुद का ऑप्शन है, यस राइट क्लिक करो, कहां जाएंगे? और यहां जाने के बाद सचिन आप पढ़ के बताओ क्या लिखा है। नाउ जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, अब पढ़ो, सिर्फ इसका ही नहीं जरा नीचे का देखो, इसका क्या हुआ? समझ में आई बात? कहां से गया था एक बार बोलो जरा, राइट क्लिक और उसके बाद सर निकाल दो। ओके निकाल दिया गाइस, मेरी बात समझ में आ गई है? अब किसी ने बोला नहीं सर ये मर्ज मत करो, इवन मर्ज करने के बाद भी तो प्रॉब्लम होगी ना, बंदा फिल्टर वगैरह यूज नहीं कर पाएगा। ओके सो मैं चाहता हूं ये जो कैश लिखा है ना ये रिपीट हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? कैश। सर वापस चलते हैं हम, कहां पे सेटिंग है? यही है ना हमारे पास, एनालाइज और डिजाइन। तो डिजाइन में जाने के बाद हम वापस चलते हैं लेआउट और इसे क्लिक करता हूं, कोई पढ़ेगा क्या लिखा है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? अब अगर मैं डेटा किसी को देता हूं तो वो इसके ऊपर कर पाएगा ना एनालाइज या समराइज, जो भी करने की बात करो आप। कहां गए थे हम? सर नॉट इंटरेस्टेड तो यहां पे ले लो। अरे क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ गई? किसी ने बोला सर खाली आउटलाइन देखना है तो यू कैन बी लाइक दिस, ऐसे आउटलाइन दिखा सकते हो, कैश लिखा और ये रहा, सर आउटलाइन नहीं शो कॉम्पैक्ट ऐसा, तो ये अलग अलग लेआउट है गाइज, आप कॉम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं या आउटलाइन दिखाना चाहते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, वो डिसाइड तो करोगे आप ही, वो डिसाइड। क्वेश्चन समझा मेरी बात? रिपीट या डू नॉट रिपीट वो भी टॉपिक आपका है, आई कैन नॉट हेल्प इट, आपको जैसे अच्छा लगा, कैसे दिखाना चाहते हैं आप। अब सडनली किसी ने बोला सर ये अच्छा नहीं लग रहा ये कैश ऊपर, अरे कोई बात नहीं हम चले जाते हैं यहां पे और यहां पे क्या लिखा है? डू नॉट शो सब टोटल। क्या हुआ? अरे है क्या सब टोटल? है सर चेक का कैश का किसी का भी नहीं है, कहां गए थे हम? नहीं नहीं सर टोटल बताओ लेकिन बॉटम में बताओ, तो यहां से ले लेता हूं सब टोटल, किधर? टॉप में चाहिए तो टॉप में, बॉटम में चाहिए तो आया क्या? अरे आया क्या? अब आपने बोला सर हर एक टोटल के पीछे मुझे थोड़ा सा ना इंस्ट्रक्शन कुछ लिखना है, तो एक ब्लैंक रो चाहिए, क्या चाहिए? सो यहां से क्लिक कर दो ना, इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच आइटम। अरे देखो ना इधर एक क्या आया, नहीं समझा? अरे बोलो यस नो, क्या क्या ऐड किया इसने? हर एक के बाद एक ब्लैंक ऐड कर दिया, क्योंकि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना था। नहीं सर नहीं लिखना था, रिमूव ब्लैंक। आई होप समझ में आ गया। नाउ अगर इस डेटा को मुझे थोड़ा सा कलरिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, तो बेसिकली हम लोग यहां से यूज करते हैं ये सब कलर वगैरह, बोल्ड इटैलिक ये वो, लेकिन पाइवोट में वो भी नहीं करते हम। सर ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके डेटा में से किसी ने थोड़ा चेंजेस कर दिया, मान लो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, गाइस ध्यान से देखना, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और बोला चल यहां से तुझे कलर दूंगा, चलो अच्छा तो दिख ही रहा है कलर, अरे यस नो। अब आपने बोला नहीं नहीं सर थोड़ी सी गलती हो गई, क्या हो गई? हमें डिपार्टमेंट नहीं चाहिए,
क्या डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो आई कैन जस्ट इरेज इट। सर डिपार्टमेंट नहीं, तो अब डेटा में क्या आएगा? अब बोले मुझे सर पेमेंट टाइप भी नहीं चाहिए, तो ये ले लो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और बोला डिपार्टमेंट वाइज, अरे क्या डिपार्टमेंट वाइज मुझे चाहिए था सैलरी, या डिपार्टमेंट वाइज मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो ये ले लो। क्या वो कलर है क्या? कहाँ गया वो? सो इसके लिए जब आप कलर यूज करते हैं गाइस, डिजाइन या अट्रैक्टिव यूज करना है, तो आप जाएंगे पाइवोट की खुद की डिजाइन और उसका खुद का टूल यूज करो। अरे नहीं आ रहा है समझ में? बेनिफिट कुछ समझ में आया? ये उनके खुद के डिजाइन, उनके खुद के पैटर्न यूज करो। ये अलग अलग डिजाइन है, ढूंढ लेना आप आराम से, करेक्ट? और इन सारे कलर की गारंटी है, अगर कलर गया तो पैसा वापस। ऐसा मुझे नहीं, माइक्रोसॉफ्ट को पूछना, लेकिन कलर नहीं जाएगा। जाएगा क्या कलर? बोल रोहित। नहीं जाएगा, वो देखो। अरे कहाँ से जाएगा कलर, है ना? सो इसके कोई कलर नहीं जाएंगे, जो आपको अच्छा लगा गाइज यहाँ से डिजाइनिंग यूज करना। आई गेस मेरा मतलब समझ गए आप, है ना? तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा अट्रैक्टिव डेटा भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सो दैट हम जिसको दे रहे हैं ही और ही शुड बी हैप्पी, उसको भी अच्छा लगे, हाँ इन्होंने कुछ अच्छे से डेकोरेट या डिजाइन करके दिया ही है। कहाँ गए थे हम कलर यूज करने के लिए? और अगर इसके हिसाब से डेटा में आपका प्लस माइनस हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो कलर और कॉलम भी प्लस माइनस हो जाएंगे। समझा मेरी बात या नहीं समझा? अब आपने इसी में ऐड कर दिया, सर बोनस ऐड कर दो। क्या बोनस को कलर नहीं आया क्या सचिन? ओवर टाइम ऐड कर दो, उसको कलर नहीं आया? इसका मतलब मुझे कलर देने का हेडेक, सिर्फ हेडेक इतना ही है सर, ये जरा लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। सम ऑफ तो लिख देता हूं ना गाइस, ये लो ना सैलरी, बस ऐसे कुछ मैसेज आएगा, कोई बात नहीं, एक स्पेस बार दे देना और एंटर कर देना। अभी क्या चाहिए? सम ऑफ बोनस, खाली बोनस लिखना है, तो क्या लिखेंगे? स्पेस बार दे दो, दैट्स ऑल। इधर क्या लिखना है बोलो? ओवर टाइम स्पेस बार, हो गया ना? अब तो काफी अच्छा दिख रहा है। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ गया? ओके सर, अब इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि ये बैंडेड में दिखाई देवे, तो यहाँ पे बैंडेड कॉलम है, ये दिखाई दिया बैंडेड, मतलब ऑल्टरनेट, ऐसे ये डिजाइन का पार्ट है। अच्छा लगा तो यूज करो, नहीं लगा तो लिमिट। गाइस मेरा बात समझा? यहाँ पे आप बोले सर हेडिंग नहीं चाहिए, हेडिंग निकाल दो, तो ये जो एक्स्ट्रा स्टाइल और फॉर्मेटिंग आ रही है ना, वो आप निकाल सकते हैं। आई होप समझा? तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यूज करना ही है नहीं करना है, यू डिसाइड, यू आर गोइंग टू डिसाइड। आई होप ये समझ में आ गया, ये सारा डेटा समझा सभी को? यहां से कलर, ओके चलते हैं थोड़ी सी और आगे। क्लियर ना? आई होप, क्या डाउट है किसी को? अब किसी ने बोला सर बंदा जानना चाहता है उसको सैलरी कितना मिलेगा। ओ क्या जानना चाहता है ये? सैलरी। सर अब ये ग्रैंड टोटल का रिक्वायरमेंट नहीं तो निकाल देता हूं, करेक्ट ना? क्या डाउट है किसी को? बंदा क्या जानना चाहता है? अरे बोलो ना गाइस, बंदा जानना चाहता है हमारी टोटल सैलरी। टोटल मतलब क्या? सैलरी भी आएगा, बोनस भी आएगा और ओवर टाइम भी आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? तो आप टोटल कैसे करें? अब आपको यहाँ पे एक बाजू में जाके एक टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा और सबका इंडिविजुअल टोटल करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा। सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है या नहीं? सो अब मैं चलता हूं पाइवोट के कैलकुलेशन वाले पार्ट में। किधर? कैलकुलेशन गाइस, किधर? ओके, कैलकुलेशन में जाने के लिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, ये क्या लिखा है देखो, करेक्ट ना? और उसके बाद यहां पे जाता हूं और क्या लिखा है? आई होप क्लियर। अब यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? टोटल, अरे बोलो ना, टोटल अंडरस्कोर सैलरी। अब इसे सैलरी में क्या यूज करना है? तो मैंने बोला आप सैलरी में ले लो, क्या ले लो बोलो? सैलरी प्लस, और क्या प्लस? बोनस प्लस, और क्या प्लस? बस, ओके माय जॉब इज डन। ये तीनों को प्लस कर दिया, इधर नीचे चेक कर लो 387100 नहीं आया क्या? सर इसके ऊपर उनका प्रोफेशनल टैक्स काट लिया, पता है ना प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? अरे गाइस समझ में आ रहा है? अब बोला मुझे सर उसका प्रोफेशनल टैक्स कट कर लिया, जो भी आपका ग्रॉस टोटल हुआ मैं इसे ले लेता हूं। इसको उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे ही कितना परसेंटेज आई डोंट नो, बट मैं कैलकुलेट करता हूं, फॉर एग्जांपल 18.3%।
चलेगा ना इसे? अरे भाई समझा नहीं समझा? ओके चेक कर लो सर क्या हुआ। अरे चेक कर लो क्या हुआ, नहीं आया क्या? फिर किसी बंदे ने बोला सर ये डेसिमल भी हमको मिलता नहीं है। हमको क्या नहीं मिलता है? बिकॉज डेसिमल तो नहीं दे रहे ना एम्प्लॉय को। बोले ये सर डेसिमल वाला फंडा हमारे यहाँ पे नहीं है, डेसिमल निकाल दो आप। क्या निकाल दो? चलो डेसिमल निकाल देते हैं हम लोग। करेक्ट, वापस किधर? बिकॉज मैं सब पाइवोट में ही ऐड कर रहा हूं, मुझे अलग से नहीं चाहिए। करेक्ट ना? मतलब फ्यूचर में कभी भी मैनिपुलेशन किया ऑटोमेटिक सब अपडेट हो जाएंगे। मैंने बोला तू हो जा क्या राउंड। अरे सिखाना राउंड फंक्शन। सो मैं यूज कर रहा हूं यहां पे राउंड, जो सीखा उसका यूज करो। क्या लिया? प्रोफेशनल टैक्स कॉमा जीरो। आई होप क्लियर एवरीवन। कोई बताएगा? अरे बोलो ना क्या हुआ। सो डेसिमल, अरे डेसिमल है या नहीं? नहीं है सर। मेरी बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई। अब किसी ने बोला सर हमारी कंपनी ना एम्प्लॉय के सैलरी के हिसाब से उनको पॉइंट्स देती है। अरे क्या देती है? सैलरी के हिसाब से पॉइंट्स देती है, या ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे? क्वेश्चन क्लियर हुआ? या इंसेंटिव देती है? चलो इंसेंटिव। सो वापस इधर जाएंगे। किधर? यहां पे लिख देता हूं। क्या बोलो? इंसेंटिव। लेकिन इंसेंटिव ऐसे नहीं दिया, 10% 5% ऐसे नहीं दिया, कंडीशनल इंसेंटिव है। क्या ये कंडीशनल? अभी कंडीशन क्या है सर वो बताओ। तो उन्होंने बोला अगर 50,000 के नीचे है किसी भी बंदे की सैलरी, क्या लेस देन है क्या? बट सम ऑफ राउंड किधर आया? यही है ना, है ना? चलो जिस बंदे की सैलरी 50,000 के नीचे, कितना? 50,000 के नीचे उसको 3%। कितना? जिसका 1 लाख के नीचे उसको 5%। कितना? क्वेश्चन क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये सैलरी नहीं था, इंसेंटिव दे रहे हैं ना हम उनको। क्या दे रहे हैं? इंसेंटिव। सेल्स का डेटा है उसे अज्यूम करो, उसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं? इंसेंटिव। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके सो अब मुझे बोला 50,000 के नीचे तो 3%, 1 लाख के नीचे तो 5%, और 1 लाख के ऊपर सीधा 10%। चलेंगे कैलकुलेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? एग्जैक्टली दिस इज राइट आंसर। और आंसर क्या था आपको पता है? किसी ने बताया? क्योंकि आप तो इसे भूल गए, है ना? इफ का मतलब क्या? अगर। अरे है ना कंडीशन। सो वापस हम चलते हैं किधर? एनालाइज और कैलकुलेट फील्ड। यहां जाने के बाद अब हम क्या कर लेते हैं गाइस? इंसेंटिव। चलेगा ना? ओके ट्राई करेंगे। इफ अगर क्या क्या ले लेते हैं? ये लेते हैं राउंड, इसमें सब डेटा है ना हमारा, लास्ट ये डिजिट है। करेक्ट, या बेसिक पे ले लो जो आपकी रिक्वायरमेंट, जैसा बोलो आई डोंट माइंड, मैं इसी पे लेता हूं। चलो अगर ये डेटा लेस देन कितना? अरे बोलो लेस देन हुआ क्या 50,000? अरे हुआ क्या? तो हम क्या करेंगे बोलो? इसका कितना कॉमा इफ। अरे नहीं क्या? अगर ये डेटा लेस देन कितना, तो क्या बात हुई थी हमारी? इंटू 5%, नहीं तो वापस इंटू 10%। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और करेंगे हम क्या? चेक कर लो सर क्या आया इस डेटा का। करेक्ट ना? 1 लाख के नीचे या ऊपर है? अरे ये 1 लाख के ऊपर है या नीचे? करेक्ट ना? तीन कंडीशन है हमारे पास, या तो नहीं तो। तो अब ये किसके बीच में है? 1 लाख मतलब क्या मिलना चाहिए? चलो कर दो कैलकुलेट। इक्वल टू दिस अमाउंट इंटू 5%। नहीं समझा सर? इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये अमाउंट इंटो कितना आया क्या? अरे आया क्या? समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया मुझे। सो ये कैलकुलेशंस आर क्लियर? क्या डाउट है किसी को?
बोलो यस नो गाइस प्लीज। चलेंगे आगे। ओके अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। सर मैंने ये जो पाइवोट का यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा था वो तो डिलीट कर दिया, क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं, आप वापस जाएंगे किधर, एनालाइज, और यहाँ जाके हम बोलते हैं शो फील्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं, शो फील्ड लिस्ट। चलेंगे वापस अगले कैलकुलेशन के पास, आई गेस। बट कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर एवरीवन? लेकिन वो कैलकुलेशन यहाँ पे यूज होगा, लॉजिकल फंक्शन, जहां पे जिसका आंसर कैलकुलेटेड फील्ड में आ रहा हो, किसमें, ट्रू या फॉल्स में, किसमें, ट्रू या फॉल्स में। चलो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, डेटा को चेंज, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी ले लेते हैं, ये बाकी सब यहाँ पे, या अदरवाइज थोड़ी सी हम ग्रुपिंग की बात करेंगे। क्या करेंगे, डेटा को ग्रुप में लेना है। बट यहाँ तक तो क्लियर है सभी का? कोई ऐसा है जिसको डाउट है? यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी डेटा को ना सॉर्टिंग कर दिया है और ग्रुप में अरेंज कर दिया ऑलरेडी। अब ये कुछ ऐसे हैं हमारे पास, D123 है कि नहीं? सो मुझे बोला गया कि सर ये हमारे टेम्पररी, ये हमारे टेम्पररी ऐसे डिपार्टमेंट है। क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको रखा था, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वो लोग चले जाएंगे, तो मैं चाहता हूं इनको एक साथ में कर दो सर। अरे क्या कर दो इनको, वैसे अगर इन सब का मैं टोटल ले लेता हूं तो कितना टोटल आया, जरा ये पढ़ो, पढ़ो ना गाइस, कितना, 19,42,926। लेकिन अब मुझे बोला गया सर ये चार जो है ना उनको एक ग्रुप में रखना है, क्या करना है, तो डेटा सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, किया ग्रुप आया, क्या ग्रुप आया। अब ग्रुप आने के बाद करेक्ट, अब आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो ग्रुप में आ गया है, तो मुझे अब इसकी जरूरत है या नहीं है? अरे बोलो ना, इसकी जरूरत है क्या? नहीं सर, अब मुझे इसकी जरूरत, तो यहां से देखेंगे आपके पास डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट ऐसे दो बार आ गए, तो ये डिपार्टमेंट टू रख लो और इसे उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप। कितना था टोटल तीनों का रोहिणी, बोलो जरा, 19,42,900। इसका मतलब वो सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर मर्ज हो गए। सर उसका नाम तो अच्छे से रख देते, कोई बात नहीं नाम चेंज कर लो आप। अरे नाम चेंज कर देता हूं, उसको नाम क्या देंगे बोलो, हो गया ना चेंज, आया क्या समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ या डाउट है कोई ऐसा बंदा? तो इस तरह से हमने क्या किया, डेटा को ग्रुप। ओके और एक बार सिखाता हूं, जिसे कम समझा और एक बार समझेंगे, चलेगा, समझ में आ रहा है? अब हम लोग ग्रुप करते हैं, जरा डेट को करते हैं, किसको, तो मैंने हायर डेट ले लिया, डेट देखा क्या, अरे देखा क्या, डेट वाइज मैं क्या करता हूं सैलरी। पर सर हम लोगों ने तो खाली डेट लिया था, इधर ईयर क्वार्टर ये सब तो, अरे जो एक्स्ट्रा आया उसको भेज दो इधर से प्लीज, यहां से जाएंगे आप वो चला जाएगा, गया क्या? अब ऑलरेडी क्या दिखाई दे रहा है, मंथ वाइज, मैंने बोला था क्या मंथ वाइज, कोई बात नहीं राइट क्लिक करो और इसे भी बोल दो अनग्रुप। अब जैसा आपके एंट्री में इधर दिख रहा है ना, देखो ये कैसा डेट दिख रहा है और सैलरी दिख रही है, सो हमारे पास भी वही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब आप बोले ऐसा नहीं सर, हम ईयर वाइज टोटल देखना चाहते हैं, कैसे, सो राइट क्लिक करना, कहाँ जाएंगे, अरे बोलो, और ग्रुप में जाने के बाद गाइज आई जस्ट क्लिक ऑन ईयर, क्या आप देख सकते हैं आया क्या, अरे आया क्या, वापस राइट क्लिक कर दे और अनग्रुप। अब आपने बोला सर ऐसा नहीं, ग्रुप वाइज नहीं, हर एक ग्रुप का क्वार्टर वाइज टोटल, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, चार, करेक्ट, और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, किसी ने बोला 12, बोल दो भाई, क्वार्टर मतलब सुबह सुबह परेशान तो नहीं हो गए ना, मैं उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, करेक्ट, हम इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, कौन सा, जैन, फैब और क्या, आप तो कुछ और ही समझ लिए, जिस क्वार्टर को पीने के बाद इंसान सब भूल जाता है। हाँ सो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स है गाइस, तो अब मैं चाहता हूं कि ये ईयर वाइज क्वार्टर, मतलब 2017 के सारे क्वार्टर, 2018 के सारे क्वार्टर, 2019 के सारे क्वार्टर। चलो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और किधर, ग्रुप,
अब यहां जाके सबसे पहले हमने टारगेट किया, हमको तो ईयर भी चाहिए, और क्या चाहिए? ईयर वाइज माय जॉब इज डन। नहीं आया रोहित? एक साल में चार क्वार्टर हैं, क्वार्टर 1 2 3 4, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। हाँ लेकिन थर्ड ईयर में सर क्वार्टर 4 नहीं आया। चलो देखते हैं क्वार्टर 4 है या नहीं। थर्ड ईयर में क्वार्टर 4, तो 2019 का जरा देखो तो सही, रिकॉर्ड कब तक है? क्या आगे आएगा, फोर्थ क्वार्टर आएगा? क्योंकि हमारे डेटा में ही नहीं है सर। मेरे डेटा में, अगर मैंने इस डेटा में अपना नाम लिख दिया, आई गेस मैंने इस डेटा में अपना नाम लिख दिया और मैं चलता हूं अब ये क्वार्टर नंबर 4 के ट्रांजेक्शन में। क्वार्टर 4 की डेट कौन सी होगी सचिन, बोल जल्दी। कहां तक है? 9 ना, तो अब मैं ले लेता हूं 10 11, आ जाएगा। अरे बोलो गाइस। और यहां पे कुछ अमाउंट भी ऐड कर देता हूं, इसको भी कुछ ऐसे दे देता हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम सपोज ए बी सी टेस्ट डिपार्टमेंट। हमारा डिपार्टमेंट कौन सा? टेस्ट, है ना। और सिटी लिख देता हूँ, क्या बोलो? मुंबई। और इधर क्या था? अरे कौन सा मंथ, बराबर ना। और यहाँ पे कैश। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो तो क्या कहीं पे मेरा यहाँ पे आया क्या? आना क्या चाहिए था गाइस, क्वार्टर 4 ना, लेकिन क्वार्टर 4 नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब चलते हैं इसका रीजन ढूंढने के लिए एनालाइज के पास गया, और ये क्या लिखा है? ओके चलेंगे थोड़ी सी आगे। आप देख सकते हैं आपका जो डेटा है ना, वो डेटा कहां तक सिलेक्टेड है पता है? 9998। और हमें जो चाहिए वो एक और डेटा आया ना, तो या तो सिलेक्शन वापस करो या फिर इसको 9 कर दो। अब करेंगे हम ओके। क्या लगता है आया क्या? आया क्या? फिर भी कोई बंदा बोल रहा है डाउट है, कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है? मतलब अभी एक दो नेम हमने चेंजेस कर दिए, तो बाद में चेंज डेटा सोर्स करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। लाइव आपके सामने अपडेट हुआ है? अपडेट हुआ या नहीं? हाँ। लेकिन आप ये बोलना चाहते हैं सर मैं कैसे ट्रस्ट करूं? भाई आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, पर इंसान है जो किसी पे नहीं करता, सब पे डाउट करता है, करता है नहीं करता ये? अब सचिन तो बोलेगा नहीं, है ना। अरे लेकिन आप सब तो अनमैरिड हो, आप तो बोल ही सकते हो, करता है नहीं करता है? तो अब मुझे भी इसके ऊपर डाउट है सर, ये डेटा सही है या? तो जिस किसी को डाउट है आंख बंद करो और इसके ऊपर 2 बार डबल क्लिक करो। क्या था वो? उसकी पूरी रिकॉर्ड उसने दे दी, आपकी कुंडली यहां पे आ गई। यस और नो? अब चेक करो ना, आप डाउट है क्या? जाओ यहां पे देखने के लिए, एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड आपने यहां लिखा है वही रिकॉर्ड उसने वहां से ढूंढ के लाके आपको दे दिया। नहीं? यस और नो बोलो। कुछ भी गलत दिया है क्या उसने? सर आपने एक बार गलत एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये बंदा कोई गलत एंट्री, वो पूरे अपने लॉ के हिसाब से, पूरे रॉयल्टी के हिसाब से काम कर रहा है। ऑनेस्टली जैसा बोलो वैसा रिकॉर्ड लाके उसने दे दिया, उसने एक भी गलतियां यहाँ पे की ही नहीं है। गलती आपने की थी, आपने एम्प्लॉय कोड नहीं दिया था इस वजह से नहीं आया, बाकी का सब डेटा। सो इट वर्क्स परफेक्टली गाइज, इट वर्क्स परफेक्टली। मेरा बात समझ में आया? ओके अब आप बोले सर ऐसा नहीं, चलो इसे भी निकालो, कोई बात नहीं, राइट क्लिक और अनग्रुप। आई होप क्लियर, कहां गया था राइट क्लिक और? अब आपने बोला सर मेरी कंपनी में ना 30-30 दिन में या 15 दिन में इंसेंटिव मिलता है। कितने दिन में? तो इंसेंटिव तब मिलेगा जब 15 दिन का टोटल बताओगे, या हमारी कंपनी 15-15 दिन में लोगों को इंसेंटिव देती है, तो 15 दिन का टोटल बताओ। मेरा बात समझा? तो आप 15 दिन का ग्रुप बनाते, क्या करते हैं 15 डेज का ग्रुप। अरे क्लियर ना? अब मैं डेज में जाता हूं, मंथ को निकाल देता हूं और यहां से बोलता हूं तू हो जा क्या, ओके माय जॉब इज डन। अरे समझा क्या? आप कैसे भी सवाल पूछो, देखो कितनी आसानी से ये आंसर दे रहा है। फिर किसी ने बोला नहीं नहीं सर अपना कंपनी में 90 डेज का हिसाब चलता है। अरे कोई बात नहीं, वापस चलते किधर, और ये 15 को क्या करूंगा? ऐसे नहीं लग रहा है काफी मैजिकल टूल काम कर रहा है ये?
है ना, हमारे दिमाग को जरा भी प्रेशर नहीं है कि नहीं। इस माइक्रोसॉफ्ट को पहले ही पता चल गया था इंसान का छोटा दिमाग है, कहीं गलती से वो क्रैक हो गया तो हमारे ऊपर ब्लेम आएगा, इस वजह से उसने ऐसे टूल दिए। ऐसा इंटरव्यू में बोलना मत बाहर जाके, है ना। किधर गए थे? सो यहां से अपने अकॉर्डिंगली आप इस डेट को दे दो। फिर आपने बोला नहीं नहीं सर 2017 से नहीं चाहिए, 2017 से। तो क्या चाहिए था तुझे? मुझे 18 और 19 में इंटरेस्ट है। 18 और देखो ना बंदा क्या करता है। ये गाइस कुछ समझ में आया क्या? मतलब कैसे भी सवाल पूछो, आई एम रेडी टू गिव आंसर। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्या हो रहा है ऐसा? आप सवाल पूछ रहे, देखो ऑटोमेटिक वो क्या दे रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? क्या डाउट है किसी को? ओके चलते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ। ग्रुप और अनग्रुप कैसे किया, क्या किया था बोलो हमने? हायर डेट, करेक्ट ना। अब आप डिपार्टमेंट वाइज अगर टोटल देखना चाहते हैं तो इसको निकाल देता हूं और यहां से डिपार्टमेंट वाइज ले लिया। आ गया क्या सर? डिपार्टमेंट वाइज टोटल बताया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे हायर डेट आपने जो लिया था, ये डेट को मैं कॉलम में दे देता हूं लाइक दिस। आया क्या गाइस? सर ऐसे नहीं चाहिए था मुझे। तो कैसे चाहिए था? तो ईयर नहीं चाहिए, ईयर निकाल दो। अभी देखो क्वार्टर 1 2 3, सर नहीं चाहिए इसे भी निकाल दो। अभी क्या आया? जैन फैब नहीं चाहिए सर, तो इसे भी क्या कर देते, राइट क्लिक करके क्या कर देंगे। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, नहीं देखा क्या? अब कितना लंबा डेटा होगा ये? फिर से वही महाभारत। सो वी डोंट वॉन्ट लाइक दिस। तो गाइज यहां पे भी आपके पास चॉइस है, डेटा को करेंगे क्या हम ग्रुप कर देते या मंथ वाइज में कन्वर्ट कर दिया। आया क्या? अब आप बोले ऐसा नहीं सर। हाँ आप चाहो तो राइट क्लिक करके डायरेक्ट यहां पे भी ग्रुप ले सकते हैं, देखो क्वार्टर वाइज। या ऐसे नहीं अच्छा लगा आप बोले नहीं नहीं सर हम चाहते हैं मेरा जैन फैब मार्च एक क्वार्टर। अरे जैन फैब मार्च क्या? तो यहां से खुद का ग्रुप बना दो। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? हम इसे भी यहां से क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करके इसे भी यहां से एक एक ग्रुप में रख सकते हैं। क्लियर? अनग्रुप कर लो, आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। बट यहां पे रेडीमेड ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है तो मैं इसे क्या कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? आप सीधा यहां से चले जाओ ग्रुप में और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डेटा को यूज करो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? अगर रिक्वायरमेंट है तो यहां पे जाना एंड यूज अकॉर्डिंगली। आई होप समझ में आ गया है। क्या डाउट है किसी को? ओके अब इसमें थोड़े से और ऑल्टरेशन हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़े से और ऑल्टरेशन। क्लियर? ऑल्टरेशन में अभी मैं क्या कर रहा हूं, वापस कुछ ले रहा हूं एम्प्लॉय के नेम्स। क्या ले रहा हूं? एम्प्लॉय के नेम्स ले लिया। चलो डिपार्टमेंट को निकाल देता हूं यहां से। सारे एम्प्लॉय भी आ गए, उनकी सैलरी भी आ गई, है ना। अब इसके ऊपर अगर मैं चार्ट बनाऊंगा तो क्या चार्ट से कुछ समझ में आएगा? नहीं सर, इतना बड़ा डेटा हमको चार्ट से कैसे समझेगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इतना बड़ा डेटा चार्ट से कैसे समझेगा? तो मैं इसको थोड़ा सा और यहां पे ले लेता हूं, और ये जो फुल नेम है इस नेम को अब मैं निकालता हूं, और रिजल्ट के लिए मैं यूज करता हूं फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टाइप। क्या यूज कर दिया? पेमेंट टाइप। आप देख सकते हैं कैश में कितना पेमेंट हुआ। अब इसको थोड़ा और बेटर प्रेजेंट करने के लिए डिपार्टमेंट को यहाँ पे ले लो, और ये जो कैश है इसको इधर रख दो। आ गया सारा डेटा? आया या नहीं आया? अब इस डेटा को ले सकते हो आप, इसके ऊपर अपनी चार्ट को प्रेजेंट करो और अपने रिपोर्ट को जैसे बनानी है वैसे आप बना सकते हैं। क्लियर? सो डेटा को हमने क्या समझा, समराइज कैसे करना है, डेटा के ऊपर एनालाइज या कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, करेक्ट। अब इसके अगले पार्ट हम लोग जाएंगे, दैट विल बी टुमारो, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन ए पार्ट नंबर 2, क्योंकि ये काफी बड़ा पार्ट है। सो पार्ट 1 हमने सीखा, इसी का पार्ट 2 हम देखेंगे कब? कल। ठीक है, सो लेट अस स्टॉप टुडे सेशन, एंड कल आप आने के पहले एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस वो डेटा याद नहीं रहेगा। वी विल डू सर्टेन टारगेट, कुछ बजट देखते हैं इसके ऊपर। क्या देखेंगे? बजट, टारगेट और कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड टेक्निक और ट्रिक्स कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप टुडे सेशन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।